दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसकी तीन चोरनी बहुओं की कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माय रहती थी। उसके तीन बेटे और तीन बहुएं थी। बुढ़िया माय बड़े सत्कर्म किया करती थी। दान कर्म करना, व्रत पूजा करना उसका नियम था। वो कार्तिक स्नान किया करती थी। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन किया करती थी। बुढ़िया माई हमेशा कार्तिक स्नान करती और जब कार्तिक पूर्णिमा आती तो गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। अब कार्तिक का महीना शुरू हो गया। बुढ़िया माई ने कार्तिक स्नान शुरू कर दिया। वो माखन और मिश्री का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग बनाती। कभी दही और मिश्री का, कभी माखन मिश्री का, जो भी उससे बनता उसी का वो भोग लगाती और घर के और अड़ोसी पड़ोसियों के सब सदस्यों में थोड़ा तुलसी डालकर उस प्रसाद को बांट। लेकिन जो बुढ़िया की बहुएं थी उन्हें बुढ़िया का इस तरीके से पूजा पाठ करना, प्रसाद बांटना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब बुढ़िया माई अपने तीनों बहुओं को जो कार्तिक स्नान और पूजा का जो प्रसाद बनाती थी भोग लगाने के बाद उन्हें देती तो वो लोग खाने से मना कर देते थे। कहते थे क्या ये ढोंग करती है, क्या दिखावा करती है, तुलसी इसमें डालती है, तुलसी के पत्ते हमसे नहीं खाए जाते हैं। इस तरीके से वो बुढ़िया को मना कर देते थे। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब वो अपनी माँ से कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे क्योंकि बुढ़िया का जो पति था अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए बुढ़िया माई बेचारी चुप रह जाती थी। धीरे धीरे अपना कार्तिक स्नान करती और पड़ोसियों में अपना प्रसाद बांटती और उसके बाद अपना भोजन करती। लेकिन तीनों बहुओं को तो सास फूटी आंख नहीं भा रही थी। वो लोग तो ये सोचते थे कि ससुर तो चला गया, ये सास भी चली जाए तो कम से कम ये खर्चा तो छूटे। जब देखो जब पूजा के नाम पर अनाप शनाप खर्चा करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराना, कभी वहाँ पर दिया जलाना है, कभी वहाँ पर घी का दिया जलाना है, तुलसी के नीचे कभी मंदिर जाना है, इस तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब जब बुढ़िया माई को तीनों बहुएं पसंद नहीं करती थी, आपस में भी उनकी कम ही बनती थी। तीनों एक दूसरे से काम के ऊपर मनमुटाव रखती थी। तीनों के बच्चे थे, बड़े लड़के के दो लड़के एक लड़की, बीच वाले लड़के जो मझला लड़का था उसके भी तीन बच्चे और छोटे वाले के भी दो बच्चे थे। इस तरह से बुढ़िया का भरा पूरा परिवार था, लेकिन अपना कहने और अपना दुख समझने वाला उस भरे पूरे परिवार में कोई नहीं था। अब बहुओं ने आपस में ठान ली और अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो जी अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम लोग अलग रहेंगे तो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे, अगर एक साथ रहेंगे तो ना तो बच्चों की परवरिश होगी और माँ का खर्चा अलग से लगा रहता है, इनका अनाप शनाप खर्चा करें या अपने बच्चों को पालें। देखिए बड़े भाई साहब के बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, मझले वाले के भी बड़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, छोटी बहू अपने पति के कान भर रही थी। उधर मझली वाले भी अपने पति को कहने लगी देखिए जी अब बंटवारा हो जाना चाहिए, अपनी मर्जी से रहेंगे, कहाँ क्या खर्चा करना है, क्या नहीं, क्या बनाना है, क्या खाना है, किसी की टोका टाकी अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए अपना मन करेगा वो बनाएंगे, खाएंगे और अपने बच्चों के साथ रहेंगे। उधर बड़ी बहू भी कहने लगी देखिए जी अब हमको बंटवारा हो जाना चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को इनकी ब्याह शादी करनी है, काफी सारे खर्चे हैं, ऐसे ही कमाते रहे और छोटे भाइयों और अपनी माँ का पालन पोषण करते रहे तो हो लिया।
हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखिए, अब बंटवारा होना चाहिए। तीनों भाई पत्नियों के कहने में आकर शुरू हो गए कि हाँ, हमें बंटवारा करना चाहिए। गांव के पंचों को बुलाया गया। बंटवारा करने के लिए तीनों बहुएं खड़ी हो गई साथ में, ताकि जो भी बंटकर हिस्सा आएगा उसे अपने अपने कमरे में रख लेंगे। यानी घर के चार हिस्से हुए, तीन बेटों के लिए, एक बुढ़िया के लिए, और ऐसे ही जो घर में जितना सामान था उसके चार हिस्से हुए, तीन बेटों के, एक उनकी माँ का। लेकिन फिर भी माँ को हिस्से में थोड़ा कम दिया गया, क्योंकि वो अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। वो बेटों के बच्चे थे और भरा पूरा परिवार था। पंचों ने कहा कि देखिए, अपनी माँ को जो रखेगा वो अपनी माँ का हिस्सा भी बरतेगा। छोटी बहू ने तो साफ मना कर दिया कि एक कमरे में हम क्या कर लेंगे, उल्टा इसके लिए कमाकर इसको खिलाना पड़ेगा, उल्टा इसके इतने खर्चे हैं, इसकी पूजा के लिए दो दो चार चार किलो घी खर्च करना पड़ता है, इसे बनाकर खिलाना पड़ेगा, कहाँ तक इसके नखरे झेलेंगे। देखिए जी, अपने बच्चों का काम मुझे बहुत है, मैं तो इस बुढ़िया को रखूंगी ही नहीं। बड़ी छोटी बहू ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर मझली बहू से पूछा गया। मझली बहू ने भी यही जवाब दिया, देखिए मुझे बुढ़िया को नहीं रखना है, क्योंकि वो तो शुरू से ही बुढ़िया को पसंद नहीं करती थी। बड़ी बहू ने भी साफ साफ मना कर दिया। अब बेचारी बुढ़िया अकेली रह गई। पंच अपना फैसला सुनाकर अपने अपने घरों को चले गए। सब बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने घरों में रख लिया। बेचारी बुढ़िया के हिस्से में जो झोपड़ी आई थी, जो घर के बाहर बनी हुई थी, वो उसी में रहने लगी और अपना सोचने लगी कि तीन तीन बेटों का मैंने और मेरे पति ने कितने लाड़ प्यार से इनका पालन पोषण किया। 9 महीने इनको पेट में रखा, अपनी छाती का दूध इन्हें पिलाकर बड़ा किया, और आज जब मैं वृद्ध हो गई हूँ, मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं कि मैं अपने लिए कोई काम नहीं कर सकती, यानी कि मैं कोई कमाकर नहीं खा सकती। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटों को उठानी चाहिए, तो मेरे बेटे बहुओं ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, तुमसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, क्या मेरी किस्मत में यही दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया। अब बुढ़िया माई की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, वो बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बड़ी खुश थीं कि चलो बंटवारा हो गया, अपनी मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खुद मजे से रहेंगे। कहां तो बुढ़िया का इतना काम करना पड़ता था, कभी बुढ़िया का कपड़े धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना बनाओ, कभी बुढ़िया की सेवा करो, हाथ पैर दबाव। अरे भाड़ में जाए बुढ़िया हमारे लिए तो मर जाए तो ही अच्छा है, कम से कम इस कमरे का हिस्सा भी जो है बाहर वो भी हमें मिल जाएगा। अब बेचारी बुढ़िया के हिस्से में खाने का जो सामान था वो भी थोड़ा आया था, थोड़ा सा आटा, दाल, चावल। अब बेचारी कैसे पकाए, कैसे चूल्हा जलाए, क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी। अब बेचारी रोने लगी। तभी उसने देखा एक कोई नौजवान था, बड़ा ही हष्ट पुष्ट, जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा था, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था और बुढ़िया कार्तिक स्नान करती थी। इसी महीने में बंटवारा हुआ था। बुढ़िया अपने दिनों को और अपने पति को याद करके रो रही थी और अपने बच्चों को सोच रही थी कि मैंने कैसे दुखों से उन्हें पाला और आज मुझे सबने बेसहारा छोड़ दिया। हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है, अब जैसे भी रखोगे तुम ही मुझे रखोगे। नौजवान ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने देखा कोई दरवाजे पर खड़ा है, 16-17 साल का लड़का था, बड़ा ही सांवला रंग, खूबसूरत से नैन नक्श, मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे घुंघराले बाल। बुढ़िया माई से कहने लगा, अम्मा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णा है। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा
मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाई हूँ। तुम कौन हो? इस गांव के तो तुम लगते नहीं हो। तब वो लड़का कहने लगा, माँ तुम मुझे नहीं पहचान रही हो तो नाते में मेरी भुआ दादी लगती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के लड़के का लड़का हूँ और तुम्हारे मायके से आया हूँ। हमें खबर मिली थी कि तुम्हारा बंटवारा हो गया है और बहू बेटों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। मेरी पत्नी ने कहा कि आप जाओ और बूढ़ी माँ की मदद करके आओ। मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मेरी पत्नी को किसी का दुख उसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ, बुढ़िया माई ने उसे पुचकारा और बोली, अंदर आओ बेटा। उसे अच्छे से बिठाया, पानी भरकर गिलास दिया और कुछ तो था नहीं, थोड़ा सा गुड़ दिया। लो बेटा, पानी पी लो और गुड़ खा लो। अब जो कृष्णा आया था उसने बड़े प्यार से पानी पिया, बूढ़ी माँ का घर जमाया और कहने लगा, माँ इसमें ना बना हुआ कुछ खाना भी है, अब भूखी मत रहना, खाना खा लेना और हम यही दूसरे गांव में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, हम रोज आपका खाना भिजवा दिया करेंगे, आपको खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद कृष्णा नाम का लड़का बुढ़िया माई से विदा लेकर चला गया। बुढ़िया माई तो सोचने लगी, हे प्रभु, अभी भी इंसानियत जिंदा है, मेरे बेटों ने और बहू ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरे मायके वाले अभी भी मुझे याद करते हैं, मैं तो कितने सालों से कभी मायके ही नहीं गई, माँ बाप भैया भाभी रहे नहीं, अब भतीजे और उनके बच्चे हैं तो वे बेचारे मेरी पहचान में भी नहीं आते, मेरा कभी मायके जाना ही नहीं होता और मेरे मायके वाले मुझे अभी भी इतना मान रहे हैं। अब बुढ़िया बेचारी अपना सामान खोलकर देखने लगी, उसमें बड़े अच्छे अच्छा सामान था, बुढ़िया के लिए सूती साड़ी, बड़ी अच्छी दाल, चावल, काजू, किशमिश, बादाम, काफी सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे और जितना भी घर का जरूरी सामान होता सब था। बुढ़िया माई खुश हो गई और एक थाली में खाना लगा हुआ था, जिसे देखते ही बुढ़िया की, जो भूखी भी थी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहले भगवान का, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को भोग लगाया, क्योंकि बेचारी सुबह से बड़ी दुखी थी। आज उसने भोग भी नहीं बनाया था और तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाकर पहले पड़ोसियों को प्रसाद दिया। पड़ोसियों ने बड़े खुश होकर बुढ़िया माई का प्रसाद लिया, लेकिन तीनों बहुओं को जब बेटों को प्रसाद देने गई तो तीनों बहू और बेटों ने बुढ़िया को झटका दिया और वहां से भेज दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, प्रसाद के बहाने से घर में आना चाहती हो, इसलिए बेचारी बुढ़िया आंखों में आंसू भरकर फिर से अपने घर लौट आई। आकर उसने हाथ जोड़े और भोजन किया, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। आज उसने ऐसा पौष्टिक और ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई। अब वो फिर अपने पूजा पाठ और अपने नियम कर्म में लग गई। अपना सुबह उठी थी, कार्तिक स्नान करती और उसके बाद अपना भोग बनाती, पड़ोसियों को प्रसाद देती, क्योंकि पड़ोसी तो बुढ़िया को बड़ी स्त्री मानते थे कि देखो कितनी अच्छी सती की और कितना पूजा पाठ करती है। तो सच भी था, बुढ़िया माई हमेशा सबके दुख में दुखी होती थी और सबसे पहले पहुंच जाती थी। गांव के लोग बुढ़िया माई की बड़ी इज्जत करते थे, अगर कोई इज्जत नहीं करता था तो वो थे बुढ़िया के अपने बेटे और बहू। अब बुढ़िया के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, बुढ़िया को अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा तो बुढ़िया का शरीर थोड़ा तंदुरुस्त होने लगा। ये देखकर तीनों बहुएं सोचने लगती, बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया कि कुछ दिन रोएगी, कल्प कर और भूखी प्यासी जल्दी भगवान को प्यारी हो जाएगी, लेकिन ये क्या, ये तो दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, तंदुरुस्त होती जा रही है, आखिर इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर इसको कहाँ से खाना मिलता है, इसका हमने तो सोचा था कच्चा पक्का बनाकर खाएगी तो
जल्दी बीमार हो जाएगी। लेकिन ये तो बड़ी तंदुरुस्त होती जा रही है, इसके चेहरे पर तो चमक आती जा रही है। अब हुआ यूं कि दोनों समय एक लड़का आता और बुढ़िया माई के दरवाजे पर भोजन की थाली रखकर चला जाता। बुढ़िया माई उस थाली को उठा लेती। कभी कभी वो लड़का बुढ़िया माई को दिख जाता तो कहता कि कृष्णा ने मुझे भेजा है और मैं जल्दी में हूँ। इतना कहकर वो भोजन पकड़ा कर चला जाता। बुढ़िया माई खुशी से भोजन करती और प्रभु के गुण गाती, अपने तुलसी जी सींचती, अपने तुलसी जी में दीपक लगाती, क्योंकि घी की भी कोई कमी नहीं थी। अब तो जो उसके घर में भंडार भरने लगे। उधर बहुओं को बड़ी जलन होने लगी कि हमारे घर में इतना कमाने के बावजूद हमको सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है और हमने बुढ़िया को अलग किया। लेकिन फिर भी इसका कोई भी नियम नहीं टूटा। आखिर इसका खर्चा कौन देता है? अब तीनों बहुएं सोचने लगी कि दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे कार्तिक का महीना खत्म हुआ। बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो गंगा स्नान के लिए जाना है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा, 8-10 पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा थी और कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व था। गढ़ गंगा का मेला लगा हुआ था और बूढ़ी माई तो अपना चलती गंगा स्नान के लिए अपनी जरूरत का सामान उसने लिया और पड़ोसियों से बोली, भैया देखो हम तो 2-4 दिन अपना गंगा किनारे रहेंगे, गंगा में स्नान करेंगे और अपना अच्छे से मेला घूमकर और मैया रानी के दर्शन करके आएंगे। अब हमें कोई चिंता नहीं है, न तो परिवार की है और न खाने कमाने की है। प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब बुढ़िया अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी ही सोच हो जाती है। पड़ोसियों की भी सोच बुढ़िया को देखकर बदल रही थी। वो भी भक्ति भाव में डूबने लगे थे, लेकिन नहीं बदल रहे थे तो बुढ़िया के अपने बेटे और बहू। वो बस हमेशा साजिश रचते रहते। वो चाहते कैसे भी करके बुढ़िया को दुखी किया जाए। लेकिन जिसका परमात्मा, जिसके साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथी हों, जिसकी मदद करते हों, भला उन्हें कौन दुख दे सकता है? यही बुढ़िया के साथ था। बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए गई मेला घूमे। सुबह 4 बजे उठकर जो गंगा स्नान करती और अपना कार्तिक का पारण करती, वहीं पर उसने जो ब्राह्मणों को अच्छे से जिमाया, भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। दान दक्षिणा देने के बाद कई दिन वहां पर रही। इधर क्या हुआ कि बुढ़िया की तीनों बहुओं ने सोचा कि बुढ़िया तो चली गई गंगा स्नान के लिए, अब चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है, आज बुढ़िया के घर की तलाशी लेते हैं। तीनों बहुएं बुढ़िया के घर में गई तो क्या देखती हैं? बुढ़िया के घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है। डब्बे बादाम काजू छुहारों के भरे रखे हैं, घी का डब्बा भरा रखा है। बुढ़िया की बहुएं सोचने लगी, अरे ये बुढ़िया तो बड़ी चालबाज निकली, इसने तो हमारे घर से धीरे धीरे चोरी करके पहले ही अपना सामान इकट्ठा कर रखा था, ताकि जब बंटवारे की नौबत आएगी तो आराम से बैठी खाई। हमने तो कभी इस कमरे में देखा ही नहीं था, यहाँ तो देखो कितने डब्बे भरे रखे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे घरों में तो इतना सामान भी नहीं है, दाल चावल अनाज देखो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, और इतना आया तो आया कहाँ से? जरूर बुढ़िया ने पहले से ही जरूर इसने घोटाला करके रख रखा है। इसने सोचा हमारी नजरों से हम तो काम में, बड़ी बहू कहने लगी, मैं तो जंगल चली जाती थी खेतों में काम करने के लिए। मझली बहू कहने लगी, मैं गौशाला चली जाती थी जानवरों को दाना पानी देने के लिए और उनका गोबर वगैरह साफ करने के लिए। छोटी बहू कहने लगी, मैं घर में थी लेकिन मैं चल चूल्हा चौका करती थी। मैंने कभी बुढ़िया पर ध्यान नहीं दिया कि यह इतनी मक्कार बुढ़िया होगी और चोरी कर करके अपना घर भर रही होगी।
ये जानती थी कि बंटवारा होगा, इसलिए हम तो इसके मंसूबों को जान ही नहीं पाए। देखा नहीं बंटवारे के समय कैसे चुप बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। अब समझ आ गया, अब इसे अच्छे से मजा चखाएंगे। और तीनों बहुएं झोली भर भर कर अपने घरों को ले जाने लगी सामान, लेकिन सामान था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब जब जब उन्होंने देखा कि बादाम छुहारे भरे रखे हैं, तीनों की तीनों खाने बैठ गई। कहने लगी, देखो हम भी तो कहें, बुढ़िया के चेहरे पर इतना तेज कहाँ से आता जा रहा है, कैसी तंदुरुस्त होती जा रही है। कहाँ तो इसको खाना मिलने के बाद भी रोज कराहती रहती थी, मुझे ये हो रहा वो हो रहा, कोई काम नहीं करती थी, अब तो कभी हमने सुना ही नहीं है। तीनों बहुएं सब करने के बाद जैसे ही बच्चों को बुलाकर सामान देने लगी और उन्होंने काजू बादाम खाए और देखा उनमें तुलसी पड़ा हुआ है। उन तुलसी दल को उन्होंने निकाल कर बाहर नाली में फेंक दिया। कहने लगी, बड़ी टोटके करती है, वैसे टोटका करना तो इतना जानती है, सब चीज में तुलसी डाल के रखा है। हमें तुलसी दल पसंद नहीं है ना, इसलिए कभी पीछे से आ जाएं तो बहुएं सामान न ले जाएं। देखो, और तब उन्होंने जैसे ही तुलसी दल नाली में फेंका और अंदर आई तो क्या देखती, तीनों की बहुएं कुतिया बन गई। तीनों बहुएं कुतिया बन गई तो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे मम्मी तो कुतिया बन गई, अरे मम्मी को क्या हो गया। बच्चे रोने लगे कि हमारी माँ को क्या हो गया, तीनों की तीनों कुतिया बन गई। पड़ोसी इकट्ठा होने लगे, अरे ये क्या हो गया, बुढ़िया की बहू कुतिया कैसे बन गई। सारे गांव में हल्ला मच गया, बड़ी अनहोनी बात हुई थी, आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब शाम को जब तीनों बेटे काम से आए तो बच्चे रो रो कर कहने लगे, पापा माँ कुतिया बन गई हैं। पहले तो उनको पता नहीं था, जब कुतिया घर में गई तो उनके पतियों ने डंडा लेकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन कुतिया अपना भौंकने लगी, अपनी भाषा में कहने लगी कि हम कुतिया नहीं हैं, हम तुम्हारी बीवी हैं। लेकिन वो तो समझ नहीं पा रहे थे। तभी बच्चे रोते हुए बोले, पापा ये कुतिया नहीं है, ये तो हमारी माए हैं। बच्चों ने सारी बात अपने पिताओं को बताई, अपने पिताओं को बताई तो सारा माजरा समझने लगे, जरूर इन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। फिर भी वो डंडा लेकर समाज में जग हंसाई ना हो उनको भगाने लगे, लेकिन कुतिया कहाँ भागने वाली थी, एक दो डंडा पड़ता फिर भी वो वहीं बैठी रहती, वो कहीं नहीं जा रही थी। अपनी भाषा में जो कुंकू मतलब भोंकते और कहने की कोशिश करती, लेकिन समझता कौन। अब बेचारे पतियों को और बच्चों को मिलकर अपना खाना बनाना पड़ता, घर के सब काम करने पड़ रहे थे। वो सोच रहे थे, माँ आ जाए तो माँ से ही कोई समाधान निकलेगा कि कैसे यह अपने पूर्व रूप में आ जाए। गांव के लोगों ने यही सलाह दी थी कि देखो तुम्हारी माँ बड़ी सताई हुई है, तुम लोगों ने उसे बड़ा दुख दिया है, बड़ी उसकी आत्मा सताई है, अब यह इसी का नतीजा है जो बहुओं को भुगतना पड़ा है। क्योंकि कहते हैं ना, कहीं ना कहीं तो आत्माओं का श्राप पड़ता है, तुमने उसे बहुत दुख दिया है इसलिए ये तीनों कुतिया बन गई हैं। इंतजार करो कि तुम्हारी माँ आ जाए, तभी कोई उपाय निकलेगा। अब कुतिया सारे दिन दरवाजे पर बैठी रहती, उनके पति रोटी डाल देते तो खा लेती और अपना भोगती रहती। अब बेचारे बच्चे रोते रहते, अपनी कुतिया से लिपटे रहते, क्योंकि उनकी माँ थी, बच्चे तो जानते थे। उधर बुढ़िया तो बड़े मजे में थी, बड़ा आराम से अपना पूजा पाठ करते, गंगा स्नान करती। धीरे धीरे उसे वहां पर 8 दिन हो गए, बोली हर साल आती थी गंगा स्नान करने, लेकिन जैसे मन की शांति अब की बार मुझे प्राप्त हुई है ऐसी कभी नहीं है। पड़ोसी कहने लगे, माई अब तो घर चले, मेला भी उठ गया है। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मेरा तो ऐसा मन करता है कि मैं तो यहीं के होकर रह जाऊं, गंगा किनारे अपनी झोपड़ी डालो और यहीं पर स्नान किया करो।
पड़ोसी कहने लगे, माए चलो घर चलते हैं, गांव में क्या होगा उसकी भी खोज खबर करते हैं। आखिर अपना घर ऐसे ही थोड़ी छोड़ा जाता है कुछ भी। माँ तुम्हारे 3 बेटे बहू पोते पोती हैं, तुमसे मतलब नहीं रखते लेकिन तुम्हारे अंदर तो उनके लिए ममता है। दूर से ही सही, तुम उनकी खुशहाली चाहती हो। चलो देख लेते हैं चलकर बुढ़िया माई। पोते पोतियों का नाम सुनकर उसकी आंखें भर आई, दिल पसीज गया। वो तो चाहती थी कि कब जाकर अपने पोते पोतियों को गले से लगा लूं, कब जाकर उन्हें देख लूं। अब वो गांव में आ गई। गांव में आते ही जब उन्होंने गांव के अंदर कदम रखा तो तभी गांव में हल्ला मचा हुआ था। किसी ने बुढ़िया माई को बताया, अरे बुढ़िया माई तुम तो मेला घूमने गई थी और तुम्हारे पीछे इधर तुम्हारी 3 बहुएं कुतिया बन गई। ये सुनकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुतिया बन गई वो कैसे, ये तो हम भी नहीं जानते। बुढ़िया माई सीधे घर गई। 3 बेटे बुढ़िया माई के पैर पकड़कर रोने लगे। अम्मा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अत्याचार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। बुढ़िया माँ का तो जो माँ थी तो कलेजा जो पसीज गया। तुरंत अपने बच्चों को उसने अपने सीने से लगा लिया। बेटे रोते रहे, पोते पोती रोते रहे, बुढ़िया उन्हें ढांढस बंधाती रही और कहने लगी, कोई ना कोई तो भगवान जरूर उपाय बताएंगे, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, जरूर कुछ ना कुछ उपाय प्रभु देंगे। अब बुढ़िया माई घर में रहने लगी। बेटों के साथ और कुतिया भी कू करके बुढ़िया के कदमों में आकर बैठ जाती। 3 बहुएं क्योंकि अब वो इंसानी भाषा तो समझती थी, अपनी भाषा ही तो नहीं समझा पाती थी, लेकिन वो तो क्या बातें हो रही है क्या नहीं सब समझती थी। अपनी करने का उन्हें पछतावा हो रहा था कि कैसे उन्होंने एक साध्वी जो कि पूजा करने योग्य है, सती है, और सती बुढ़िया जो कि कार्तिक स्नान करती थी, उसको दुखी किया और कार्तिक के प्रकोप के कारण जो उन्हें ये दुख भोगना पड़ रहा है उनकी समझ में आ रहा था। बुढ़िया माई अब घर में रहने लगी। धीरे धीरे 2-4 दिन बीते, तभी बुढ़िया माई भी दिल से चाहती थी कि उसकी बहू ठीक हो जाए। वो अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु अगर मैं सच्चे दिल से आपको मानती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ तो मेरी बहुओं को ठीक करने के लिए कोई उपाय बताओ। अब जब सच्चे दिल से प्रभु को पुकारा जाए तो भगवान भी पुकार जरूर सुनते हैं। अब तभी देखा कि दरवाजे पर कोई बाबा आए, उसने दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। बुढ़िया माई भिक्षा देने के लिए गई और बाबा के पैर छूकर कहने लगी, बाबा आओ खाना खाओ, भोजन ग्रहण कर लो। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बुढ़िया की सेवा से बोले, बेटा तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि बुढ़िया साधु संतों की बड़ी सेवा किया करती थी, किसी को भी खाली हाथ चाहे उससे कुछ भी बने तो उन्हें जरूर सोचती थी कि भोजन करके जाएं। अगर भोजन नहीं करते थे तो कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दिया करती थी और कार्तिक के महीने में तो पूरा महीना वो दान पुण्य में लगी रहती थी। बाबा बैठे तो वो अपने बेटों से बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे लग रहा पहुँचे हुए बाबा हैं। तब बाबा के चरणों में 3 बेटे गिर गए। बच्चों ने पूरी बात बाबा के सामने बताई कि कैसे उनकी माँ कुतिया बन गई है। उन्होंने बताया कि दादी तो गंगा स्नान करने के लिए गई थी और पीछे से माँ, 3 चाची और ताई मिलकर जो माँ के घर में बूढ़ी माँ के चोरी के इरादे से गई। उन्होंने बुढ़िया माई का सारा सामान चोरी कर लिया और कुछ बिगाड़ा और कुछ खाया। उसके कुछ देर बाद मेरी 3 माए मुला, चाची और ताई और मेरी माँ बीच वाली बहू का बेटा कहने लगा, कुतिया बन गई, और हम लोग देखते रह गए। हम खूब रोए। साधु बाबा ने पूरी बात सुनी तो बोले, ठीक है, वैसे तो बहुओं को करनी का फल मिला है, जैसा किया वैसा भरेंगे। कुतिया भी हुआ पर कुंकू करती पूंछ हिलाती हुई बैठी हुई थी, जैसे वो भी पश्चाताप कर रही हो।
तब बाबा कहने लगे, देखो कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है। इसका एक उपाय है, अब जब अगले साल कार्तिक का महीना आएगा तब बुढ़िया माई जो स्नान करेगी उस स्नान के पानी से इन तीनों को नहलाना पड़ेगा। पूरा एक महीना जब उस पानी से नहाएंगे और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो ब्राह्मण भोजन करने आएंगे उनके जूठे भोज जो बचा हुआ भोजन होगा जूठा उस भोजन को खाएंगी और इनके ऊपर गंगा जल छिड़क दोगे तो यह अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगी जो इनका पहला रूप था। अब तो बाबा इतना उपाय बताकर चले गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और तीनों बेटा अपनी माँ की बहुत सेवा करते, माँ को कोई काम नहीं करने देते थे, आगे पीछे लगे रहते थे। अब कार्तिक का महीना आ गया, तीनों बेटा बोले, माँ कार्तिक स्नान करो। आप तीनों बेटा माँ की पूजा पाठ का जो भी सामग्री लगती पहले ही इंतजाम कर देते, माँ को कहने का मौका ही नहीं मिलता। कोई दीपक तैयार करता, कोई जल का लोटा तैयार कर देता, कोई माँ के कपड़े धोकर टांग देता, कोई गर्म पानी लगा देता कि बूढ़ी माँ कभी ठंडे पानी से न नहाया जाए, कि सुबह 4 बजे स्नान करती थी बुढ़िया माई। बुढ़िया माई कहती, मैं तो ठंडे पानी में स्नान कर लूंगी, लेकिन बेटे नहीं मानते। माँ जब पूजा पाठ कर लेती तो उसके स्नान का जो पानी होता एक लोटा भरकर तीन कुतिया के ऊपर डाल दिया जाता। धीरे धीरे जो महीना बीतने को आया, अब कार्तिक पूर्णिमा आ गई। माँ कहने लगी, देखो बेटा तुम 5 ब्राह्मण बुला दो। मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ, इसलिए मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दूं। अब बड़ा बेटा बोला, माँ 5 ब्राह्मण तो आएंगे ही और भी ब्राह्मण बनाएंगे, मैं और 5 ब्राह्मण ला दूंगा। बड़ा बेटा ब्राह्मण लेने चला गया। छोटे बेटे ने सोचा, पुण्य कर्म में तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं और 5 ब्राह्मण ले आऊंगा, मेरे खर्चे से खा लेंगे, दान पुण्य है। बीच वाला सोचा, बड़ा और छोटा भाई गया तो मैं भी क्यों पीछे रहूं? जाकर मैं भी बुला लाता हूं। अब ब्राह्मण आ गए 20 कि 5 बुढ़िया ने बुलवाए और 5-5 तीनों बेटे लेकर आ गए। बुढ़िया माई बोली, बेटा 5 ब्राह्मणों के लिए बोली थी मैं तो। सब बोले, माँ हम इस योग्य हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, तुम चिंता मत करो खाने दो। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा 20 है तो एक ब्राह्मण का और इंतजाम कर लो, 21 हो जाएंगे। तो बोले ठीक है। फिर एक ब्राह्मण और बुलवाया गया। 21 ब्राह्मणों को पूरे विधि विधान से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। बड़े ब्राह्मण जो थे वो कोई और नहीं भगवान के रूप थे, ब्रह्मा विष्णु महेश कार्तिकेय गणेश जी नारद जी और ऐसे ही सब बैठे हुए थे उनमें। अब सबने बड़ी तृप्ति के साथ भोजन किया। बुढ़िया माई ने सबको अपनी यथाशक्ति अनुसार जो उन्हें दक्षिणा दी और सब सबके पैर छुए और यही कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर आप खुश हो तो कम से कम ऐसा आशीर्वाद दो, मेरी बहुएं जिस पीड़ा को झेल रही हैं उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए, मेरे कार्तिक का जो पुण्य है नहाने का वो मेरी बहुओं को मिल जाए। ब्राह्मण देवता बड़े खुश थे, कहने लगे, माँ चिंता मत करो सब अच्छा होगा। ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। बुढ़िया माई ने सब की जो ब्राह्मण थे थोड़ा थोड़ा जो खाना बचा था उनकी जूठन को इकट्ठा किया और तीनों बहुओं को जो भोजन खिलाया गया जो बहुएं नकारती थी और प्रसाद तक ग्रहण नहीं करती थी आज वो ब्राह्मणों का जूठा भोजन खाने के लिए भी लालायत हो रही थी। अब तीनों जो कुतिया थी यानी जो तीनों बहुएं थी उनके सामने बराबर बराबर भोजन रखा गया। तीनों ने बड़े प्रेम से जीभ से चाट चाट कर भोजन खाया। उसके बाद ब्राह्मण जो आया था भिक्षा लेने, साधु बाबा उसकी बातों को याद करते हुए उनके ऊपर गंगाजल छिड़का और गंगाजल छिड़कते हुए तीनों बहुएं अपने असली रूप में आ गई और अपनी सासू माँ के पैरों में लिपट कर रोने लगी। कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो,
हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जो हमने बुरा किया है वैसा हमने फल भोगा। माँ, अब हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, कभी किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं होने देंगे, अलग नहीं रहने देंगे। कार्तिक के स्नान की इतना महत्व है, इतनी महिमा है। ये तो हमने अब जाना है कि कार्तिक का स्नान करने से कितना पुण्य मिलता है। तीन बहुओं कहने लगी, माँ अब हम भी तुम्हारे साथ कार्तिक स्नान किया करेंगे। बुढ़िया माँ तो खुश हो गई। उसे और क्या चाहिए था, अपना भरा पूरा परिवार। अब सारे पोते पोती दादी माँ के गले लिपटे रहते, कोई माँ के पास लेटने की जिद करता तो कोई दादी के हाथ पैर दबाता। बेटे और बहू एक बोल में तैयार रहते, माँ को पूछते कि उनकी पसंद का क्या खाना बनेगा, क्या खाना होगा। कार्तिक भगवान की कृपा से बुढ़िया के दिन तो अच्छे आ गए, वो तो अपने घर में बड़े सुख भोगने लगी। अगली कार्तिका ही तीनों बहुओं ने अपनी सासू माँ के साथ कार्तिक स्नान किया, भोजन ग्रहण करती, प्रसाद बांटती, पहले सासू माँ को भोजन कराती, उसके बाद स्वयं करती। कार्तिक पूर्णिमा पर तीनों बहुएं सासू माँ को गंगा स्नान कराकर लाई और खुद भी गंगा स्नान किया, गंगाजल लाकर पूरे घर में छिड़का। अब उनके घर में तरक्की होने लगी, बरकत होने लगी। अब उनके पतियों का काम भी अच्छा चलने लगा। व्यापार में जहाँ तो पहले घाटा हो रहा था, अब व्यापार चल निकला। अब तीनों भाई भी प्रेम से रहने लगे, फिर से उनकी गृहस्थी अच्छी चल पड़ी। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा करी, वैसे ही जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना है। कार्तिक माता जैसे बहुओं को आई पहले, वैसे किसी को मत आना। जैसे पीछे आई वैसे सबको न कहते सुनते हुंकार भरते, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो श्री हरे।